नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर का एक नए वीडियो में। ये होंडा का ड्यू है, इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें स्टार्टिंग करंट नहीं आ रहा। बाकी सारा चीज़ इधर चेक किया मैंने, सारा चीज़ सही है। एक इन्हीं का घर में, मेरे कस्टमर के घर में ख़राब हो गया था। मैं उनके घर से टोचन करके लेकर आया, वहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ, करंट इशू था, करंट नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर मैंने ये सब सारा चीज़ चेक किया। आप मेरा अगर ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें मैंने दिखाया है कि मैं गया था उनके घर में स्टार्ट वगैरह करने के लिए। तो इसका चलिए हम पहले आप स्टार्टिंग से करंट चेक कर लेते हैं। स्टार्ट नहीं हो रही तो करंट नहीं आ रहा है इसमें। तो इसे चेक करने के लिए इंडिकेटर वगैरह सारा चीज़ काम कर रहा, करंट पास हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग करंट जो होता है ना वो सिर्फ नहीं आ रहा। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखिए इसका, इसमें चेक करते हैं प्लग का वायर में करंट, जो कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि आर्मेचर से करंट आ रहा है या नहीं, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। कोई क्योंकि कभी भी हम लोग स्टार्टिंग करंट चेक करते हैं तो सबसे पहले मैग्नेट का जो करंट है वो बाहर आ रहा है या नहीं, वही चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कपलर को खोलेंगे और इसमें ये जो दो वायर लगे हुए थे ना, वाइट और ग्रीन, इसे हम चेक करेंगे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। तो इसे चेक करने के लिए दो तरीके, या तो हम शॉर्ट करके देखेंगे या हम बल्ब वगैरह लगा कर देखेंगे। तो चलिए हम इसमें एक वायर लगा देते हैं वायर लगाकर, अब किक मारकर देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें करंट आ रहा, मतलब कि मैग्नेट का जो आर्मेचर होता है वो करंट सप्लाई दे रहा। अब इसे हम इसे लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पिकअप कॉइल को चेक करते हैं। ये पिकअप कॉइल का वायर है, इसे हम चेक करते हैं, इसका रीडिंग चेक करते हैं। मल्टीमीटर से चेक करेंगे हम, मल्टीमीटर है, इसका हम रीडिंग चेक करेंगे कि पिकअप कॉइल की कहीं पिकअप कॉइल में तो कोई इशू नहीं बचा। तो एक पिकअप कॉइल के वायर में हम करंट को डालते हैं और देखिए इसका रीडिंग आ रहा है 251 रीडिंग आ रहा है, मतलब पिकअप कॉइल भी सही है। इसका 232 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए, जो कि आ रहा है। एक पार्ट को हमने बॉडी में टच किया और एक पार्ट पिकअप कॉइल में, तो इससे भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैग्नेट से मेरा सही तरीके से करंट बाहर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम चले जाएंगे सीडीआई के पास। तो सीडीआई के पास जाने के बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहले हम इसका कपलर को निकाल लेते हैं, ये जो करंट वाली कपलर है जो वहाँ से ऊपर आती है, उसमें हम करंट चेक करेंगे लाल वाली वायर और पिकअप कॉइल में। तो हम इसे पहले खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये लाल वाली वायर है, इसमें हम करंट चेक करते हैं, करंट चेक कर लेते हैं, चाबी ऑन होनी चाहिए। और देखिए करंट आ रहा है इसमें, यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका पिकअप कॉइल वाली में भी चेक कर लेते हैं, कहीं पिकअप कॉइल वाली वायर कहीं कटा तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका जो रेड वाला वायर है उसमें हम करंट चेक करते हैं। देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, हो सकता है आपको शॉर्ट करने पर नहीं पता चल रहा हो, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर रेड वाला वायर में बल्ब जल रहा है, मतलब रेड वाला वायर सही है, उसमें करंट आ रहा है। अब हम पिकअप कॉइल को चेक कर लेते हैं, जो कि वहाँ पर हमने उसका रीडिंग चेक किया। अब हम यहाँ पर इसका रीडिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी बॉडी अर्थ देते हैं बैटरी के पास। यहाँ पे भी रीडिंग बता रहा है, मतलब कि पिकअप कॉइल भी सही है, पिकअप कॉइल का भी कहीं वायर नहीं कटा हुआ। दोनों वायर हमें दो ही करंट चाहिए, इसे करंट देने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, जो कि सही है। और मैं इसे लगा कर देख लेता हूँ फिर से। और ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये चला जाता है आपका इग्निशियन में, जो कि प्लग का वायर लगा हुआ था ना उसमें चला जाता है। तो इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो इसमें हम करंट चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा करंट। ये देखिए ये वाली वायर जो हमने सीडीआई के पास खोल के दिखाया मैंने, ये इग्निशन कॉइल यहाँ लगा हुआ है नीचे में, तो उसका हमने एक वायर खोल लिया। और एक वायर खोल कर हम यहाँ पर करंट चेक करते हैं, करंट आ रहा है नहीं। अगर यहाँ करंट आ रहा है तो इग्निशन कॉइल हमारा ख़राब है, अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा है तो हमारा सीडीआई डेड है।
नहीं आ रहा यहाँ पर करंट, ठीक है देख रहे हैं यहाँ पर करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा है और ये डायरेक्ट आ रहा है, इसे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, ये हल्का हल्का देख रहा है टच करने पर आ रहा है। मैं इसमें बल्ब जला कर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हल्का हल्का करंट आ रहा है, इसे पूरा चट 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 का करंट आना चाहिए, जो कि करंट इसमें हल्का हल्का करंट आ रहा, मतलब डायरेक्ट करंट आ रहा, मतलब सीडीआई शॉर्ट हो गया इसका, देख रहे हैं ये इग्निशन वाली वायर में बल्ब जल रही है, उसमें डायरेक्ट करंट आ रहा है, उसमें बल्ब नहीं जलना चाहिए, डायरेक्ट करंट नहीं आना चाहिए उसमें, तो देख रहे हैं ये डायरेक्ट करंट आ रहा, जो प्लग वाली वायर, प्लग वाली इग्निशन कॉइल होती है जिसे लोग एसटी कॉइल बोलते हैं, उसमें डायरेक्ट करंट आ रहा, मतलब इसका सीडीआई मेरे ख्याल से शॉर्ट हो गया, तो इसका सीडीआई हमें चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम इसका कपलर वगैरह खोल लेते हैं, तीनों कपलर को खोल लेते हैं, ये सीडीआई है, ये सीडीआई हमें चेंज करना पड़ेगा, हम दूसरा सीडीआई लेकर आते हैं। ये दूसरा सीडीआई भैरव का हमने मंगाया है, निकाल लेते हैं बाहर, दूसरा सीडीआई है, ठीक है। आप जब भी खरीदे तो इसका कपलर पर न जाएं, हर स्कूटी का सीडीआई अलग अलग होता है, ठीक है, कपलर सेम मिलेगा आपको लेकिन सीडीआई अलग अलग होता है, ये ध्यान रखें जब भी सीडीआई चेंज करें, तो कपलर देखकर तीन कपलर है आप दूसरा खरीद लेंगे तो आपको वो करंट नहीं देगा, ये बात याद रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको लगा देते हैं, अब हम इसका यहाँ पर इसे लगा देते हैं, ठीक है। अब हम करंट चेक करते हैं, इसमें ये लग गया सीडीआई, ये हेडलाइट की वायर है, हेडलाइट वाली वायर, अब इसमें करंट चेक करते हैं, इसमें डायरेक्ट करंट नहीं आना चाहिए, अब हम चेक करते हैं, इसमें देखिए डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा, पहले डायरेक्ट करंट आ रहा था, अभी इसमें डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा। मैं बल्ब भी जला कर दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं बल्ब नहीं जल रहा, जो कि पिछला सीडीआई में बल्ब जल रहा था, इसमें सीडीआई में बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका जो वायर है उसे इग्निशन कॉइल में लगा देते हैं, जो कि हमने खोला था इसे चेक करने के लिए, ये यहीं से निकल जा रहा है, नहीं तो हमें कवर खोलना पड़ता है पीछे का, ये लग गया। अब हम इसमें करंट चेक करेंगे, ये टाइट हो गया अच्छे तरीके से, ये सारा कपलर वगैरह लगा देता है, अब हम इसमें करंट चेक करते हैं, करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, मतलब कि मेरे ख्याल से इग्निशन का जो वायर में हमने डाला वो शायद खुल गया है या लूज है, मैं चेक कर लेता हूँ उसे, ये लूज थी, ये हल्का सा बाहर थी, हमने ठीक से लगाया नहीं, अब हम फिर से करंट चेक करते हैं इसमें, ठीक है देखिए करंट आ रहा है, इसमें करंट आने लगा और पहले नहीं आ रहा था, मतलब इसका सीडीआई शॉर्ट था, और सीडीआई कैसे चेक करना है वो हमने बताया आपको। अब हम इसमें प्लग वगैरह सारा चीज़ लगा देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, प्लग वगैरह हमने लगा दिया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, देख रहे इधर सारा चीज़ इसका लगा दिए हैं, अब हम ऑन करके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चेक वगैरह करने में उनके घर में ही गाड़ी बैटरी डाउन हो गई थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, ये स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं स्टार्ट हो गई, मतलब कि इसका सीडीआई शॉर्ट था इस कारण ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, सीडीआई शॉर्ट होने के कारण ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो देख रहे हैं ये स्टार्ट है। अब हम फिर से इसे ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया, अब फिर से स्टार्ट करते हैं इसे, ये फिर से स्टार्ट हो गई, अब ये कुछ दूर रन करेगी तो इसका बैटरी चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये सेल्फ लेने लगेगा, तो पहले ये सेल्फ वगैरह नहीं ले रही थी, क्योंकि हमने उनके घर में बहुत ज़्यादा चेक वगैरह किया तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो ये सीडीआई ख़राब था, और सीडीआई उस टाइम हमारे पास वहाँ मल्टीमीटर वगैरह मैं उनका घर में नहीं लेके गया था, तो इस कारण उनका घर में मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो उनका घर हमारे शॉप से करीब 3 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से मैं गाड़ी
रोचन करके ले आए दुकान। तो ये CDI आप चेक करने का मैंने आपको इसका तरीका बताया, क्या तरीका CDI सेट करने चेक करने का। और एक बात ध्यान रखें, जब भी CDI खरीदे जिस गाड़ी का उसी गाड़ी खरीदे, दूसरी गाड़ी का नहीं लगेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ।